तो दोस्तों यहाँ कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, आप फ़ोन से वीडियो वगैरह ले सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये है जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसमें 18 से 20 मंदिर हैं, आप देख सकते हैं। कैसे आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका फैसल भी एक न्यू व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको हस्तिनापुर जिला मेरठ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़े ऐतिहासिक जगह है। तो दोस्तों आज हम आए जम्बूद्वीप के अंदर, जो बड़ी ऐतिहासिक जगह है, जो जम्बूद्वीप जो है वो जैनों का प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों मेरे इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों हम जम्बूद्वीप के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री करने पर आपको जो ये गेट देख रहे हैं, एंट्री गेट है, इसका जो मेन द्वार है वहां से आने के बाद आपको ये मंदिर मिल जाता है, जो पहला मंदिर है, जो लोटस के नाम से जाना जाता है, कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें काफी सारे मंदिर हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लोर कराएंगे एक एक मंदिर को। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे इस व्लॉग में बने रहना। तो चलो चलते हैं अगली मंदिर की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मंदिर है और एक ये स्तंभ है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ यात्री बंधुओं का आवश्यक सूचना। और आप देख सकते हैं काफी सारे इस तरीके के मंदिर हैं, और आप देख रहे हैं ये वाइट मंदिर है और एक यहाँ स्तंभ है, ये जैन धर्म का एक हब है। यहाँ काफी सारे मंदिर है, इस पे कुछ चित्र भी देख सकते हैं आप। और एक मंदिर ये है आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये पत्थरों का है, जैसे पहाड़ टाइप का होता है इस तरीके का ये मंदिर है। एक इसमें बीच में मूर्ति भी रखी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऋषि मीनार, इस तरीके से मंदिर है। मैं तो नाम नहीं जानता, अगर आप जानते हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं मुझे। ये पूरा कांच में सेव है और ये है जम्बूद्वीप, और इसमें एक यात्रा होती है जो ट्रैक्टर के ऊपर हाथी है, उस पर आप बैठ कर इस जम्बूद्वीप की चारों तरफ से यात्रा कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है जम्बूद्वीप, इसके चारों तरफ। और यहाँ और मेरे सामने आप मंदिर देख रहे होंगे, काफी सारे मंदिर है। अब चलते हैं उन मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे और अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस जगह का व्यू है। ये जो जम्बूद्वीप है ये हस्तिनापुर के अंदर है, यहाँ काफी सारे मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है। आइए हमारे साथ चलते हैं आगे की ओर। आप देख सकते हैं एक ये मंदिर है जो मेरे सामने है, ये भी व्हाइट कलर का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको जो मंदिर दिखा रहा था कुछ देर पहले, वो सामने वाले रूट के दिखा रहा था, जो आप मेरे सामने रास्ता देख रहे हैं। अब चलते हैं हम लेफ्ट वाले रास्ते पे, और उस रास्ते पे चलने के बाद जो व्यू आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे ये सब मंदिर व्हाइट कलर के हैं, और ये भाई लोग यहाँ आ रखे हैं, काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर के अंदर जम्बूद्वीप एक काफी घूमने वाला प्लेसेस और एक ऐतिहासिक जगह है, आप देख सकते हैं। और ये भाई लोग बार बार बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लो, इन भाइयों को मैंने वीडियो में लिया। और यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जिससे मैंने परमिशन ली, क्योंकि यहाँ कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, आप फोन से वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे परमिशन दी गई थी। अब मैं बैक हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि आपका कैमरा जब्त भी हो सकता है। मगर भाइयों आपको कुछ ना कुछ दिखाना था इस वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जगह है, आप आइए यहाँ घूमिए, बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि हस्तिनापुर एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जगह है। तो दोस्तों यहाँ कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, आप फोन से वीडियो वगैरह ले सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये है जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसमें 18 से 20 मंदिर हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल ये जगह है। आप देख रहे होंगे यहाँ कैमरा चलाना मना है, मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन ली थी, जो आपको ये काफ़ी दिखा पाया हूँ। अब चलते हैं इसके बाहर और इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं जम्बूद्वीप है, इसी का ब्लॉग हम शूट करने के लिए आए थे, अंदर कैमरा
चलाना अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी हमने छोटा मोटा शूट किया है वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से मालूम करने के बाद किया है। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।